हम आपको छोड़ लें, आप भी हमारा ख्याल करो। तो वो दे रहा है पैसे, देखो 2000 रुपए निकाल दें। कौन से पैसे? जो इन्होंने दिए आपको। सर खाने के पैसे क्यों नहीं देती पुलिस? आपने खाने के पैसे नहीं दिए क्या रे? खाने के पैसे दिए इन्होंने नहीं? नहीं खाने के पैसे नहीं दिए मैं। भाईजान पैसे निकाल के दिखा देना। पहले मुझे आराम से हाथ ना लगाओ, करप्ट आदमी। बदनाम अफसर तेरे पास नहीं है? कौन उस आदमी पैसे पैसे दो यार। पैसे अभी आप आराम से बात करें। आप क्या करेंगे वरना? आप क्या करेंगे वरना? आप क्या करेंगे? मेरी बात नहीं, क्या करेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। सर्दियों की उस सुबह में 6:30 बजे का वक्त है और सरेआम की टीम इस वक्त दो दरिया के मकाम पर मौजूद है। आज की यह रात सरेआम की टीम ने शहर कराची की सड़कों और थानों में गुजारी है। इस रात का अहवाल तो आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ रोज पहले इसी मकाम पर सरेआम की टीम ने पुलिस की बदउनवानियों को बेनकाब करने के लिए क्या किया था। कराची में दो दरिया का साहिली मकाम हमेशा से ही दिलचस्प और मुतनाज़े रहा है। नौजवान जोड़ों की यहाँ सुकून की तलाश में आमद और फिर पुलिस का उन्हें बहाने बहाने से तंग करके उनसे निकाह नामा मांग कर उनसे पैसे बटोरना एक ऐसी कहानी है जो कि जबान जदे आम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? इसके लिए सरेआम की टीम ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। हमने गाड़ी में दो लड़कों और एक लड़की को बिठाकर कुछ फासले पर खुफिया जगहों पर कैमरे नस्ब कर दिए। सरेआम की खातून रुकन को खुफिया माइक भी लगा दिया गया था ताकि पुलिस अगर लड़कों की तलाशी ले भी तो भी उन्हें रिकॉर्डिंग का पता न चल सके। कई घंटे के इंतजार के बाद जब हम तकरीबन मायूस हो चुके थे, दो पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल पर टहलते टहलते वहां आ निकले। गाड़ी को मशकूक जानकर उन्होंने वही किया जिसकी हमें तवक्को थी। उन्होंने तीनों को नीचे उतारा, लड़कों की तलाशी ली और लड़की से पूछगिछ। यहीं से आए गुलशन। क्यों लेके जा रहे? क्या क्यों क्या हुआ ऐसा जो आप लेके जा रहे हैं? कुछ देखा है आपने? देखने वाले बहुत हैं, वो पहुंच। बात सुने, एक मिनट रुक जाए। कैसे आप किस बेस पे लेके जा रहे हैं? जब कोई भी मशकूक चीज बरामद नहीं हुई तो गाड़ी के कागजात मांगे गए और हमने ये पहले से तय कर रखा था कि पुलिस वालों से यही कहा जाएगा कि गाड़ी के कागजात नहीं हैं। लड़कों ने जब ऐसा ही किया तो पुलिस वाले इसरार करने लगे कि हमारे साथ थाने चलें। और जैसा कि तय था, लड़कों ने कुछ ले देकर बात खत्म करने का कहा, मगर दोनों पुलिस एहलकार उन्हें थाने ले जाने पर बजिद थे। ये रेंट की गाड़ी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, मैं आपको चलो थाने का मामला छोड़ो ना यार, यहीं पे कुछ लेना देना करना भाई मैं लेता नहीं, पैसे मैं नहीं देता। आप बाइक अपनी चलाओ, बैठो बेटा साथ बैठो साथ। सर कर लें, आप जाने छोटे हैं, कोई आप इतने बड़े होकर ऐसा करेंगे? बड़ा तो बुरी बात होती है। लेकिन लेडीज साथ, आपको पता थाने कौन साथ है? आपकी कंप्लेन हुई है। बैठो गाड़ी में, इज्जत से बैठा रहा हूं तो इज्जत से बैठ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ, इज्जत से बैठा रहा हूँ, इज्जत से बैठ जाओ। अब हमारा शक यकीन में तब्दील हो रहा था कि थाने ले जाकर इनसे मजीद भारी रिश्वत तलब की जाएगी, क्योंकि वहाँ जाकर लोग ज्यादा सहमे और डरे हुए होते हैं और इस बात का खौफ भी होता है कि वालिदैन को ना बुला लिया जाए, सो उनके पास जो कुछ भी होता है वो देकर अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। आन की आन में इन पुलिस एहलकारों ने लड़कों को गाड़ी में धक्का दिया और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए इस तेजी से थाने पहुंचे कि सरेआम की टीम उन्हें फॉलो भी नहीं कर सकी। और जब तक हम पूछते पुछाते थाने पहुंचे, दोनों लड़के और लड़की थाने से बाहर निकल रहे थे। इन लोगों ने सरेआम की टीम पर एक ऐसा हैरत अंगेज और गैर मुतवक्के इंकशाफ किया जिसे सुनकर हम सब लोगों को सांप सूंघ गया। ये इंकशाफ क्या था, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे।
इसलिए नहीं कि आप उसके इंतजार में ये प्रोग्राम देखें, बल्कि इसलिए कि इस इंकशाफ की असल जगह वही बनती है और इंशाल्लाह आप इस बात को तस्लीम भी करेंगे, क्योंकि अभी आगे एक एक लम्हा हैरतनाक है, खतरनाक हद तक। इंकशाफ ये था, बार बार रिश्वत की ऑफर के बावजूद दरख्शां पुलिस ने उनसे एक रुपया भी नहीं लिया था और बड़ी इज्जत से इन तीनों को नसीहत करने के बाद छोड़ दिया गया था। हम चाहते तो इस पूरे हिस्से को प्रोग्राम से एडिट किया जा सकता था और शायद किसी को पता भी ना चलता, लेकिन ये हमारे पेशे के साथ बदयानती होती। हमारे फर्ज का तकाजा है कि अगर इन पुलिस वालों ने पैसे नहीं लिए तो फिर उन्हें सराहा जाए और उन्हें भी टेलीविजन पर दिखाया जाए, और ये आसान काम नहीं होता। अपनी शिकस्त तस्लीम करना दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। सरयाम की टीम अपने इस फर्ज की अदायगी के लिए दरख्शां के मॉडल पुलिस स्टेशन पहुंची और SHO साहब को अपने आने का मकसद बयान किया। खुशगवार मिजाज के इस SHO ने दोनों अहलकारों को तलब किया और अजराहे मजाक पूछा कि तुमने इन लोगों से कितनी रिश्वत ली है। अहलकारों का जवाब बहुत पुरएतमाद और सादा था, मैंने बेसाख्ता इन अहलकारों को गले लगा लिया, और सरयाम की पूरी टीम ने इनके लिए तालियां बजाई। चलो SHO की तारीफ कर रहे हैं, थाने चलते हैं। हमने पूरी कोशिश करके देख ली कि पैसे नहीं लिए आपके लड़कों ने। बस अब पाकिस्तानी कौम को अपने हाथों का दुरुस्त इस्तेमाल सीखना होगा। ऐसे काबिल फख्र लोगों के लिए इन हाथों से तालियां, वरना यही हाथ एडिशनल SHO जुल्फिकार जैसे लोगों के गिरेबानों पर होने चाहिए।